एक और चीज़ है जरा कि डिजिटल। तो माय नेम इज़ प्रियांशु और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। सो इस वीडियो में एक अलग ही क्वेश्चन यहाँ दिलाया हूँ, कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ थ्री वेरिएबल्स x1 x2 गिवन दैट एवरी पेयर y सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल्स आर, सो व्हाट इज द पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आर 12.3, यहां पर 12.3 है इक्वल टू। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है ना, ये सबसे पहले जानना आपको जरूरी है। पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट में आपको लिख देता हूँ शॉर्ट में, पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू जिसे हम r 12.3 है इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कितना है r12 माइनस, देखिए अब यहाँ पर पहले 3 के साथ लेंगे फिर 2 के साथ लेंगे, तो 1 3 एंड 2 3, सो r13 r23 डिवाइडेड बाय रूट लगाएंगे 1 माइनस इसको लेंगे और इसको लेंगे, r13 का स्क्वायर एंड r 1 माइनस r 23 का स्क्वायर है। ये हो गया हमारा क्या पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके सो अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको हम सिंपल r जो होता है वो होता है सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, लेकिन जब इसमें हम पॉइंट का यूज कर लेते हैं r 12.3, सो हम इसको कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो ये जो दिए हैं सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो दिया है इक्वल टू r दिया, यानी कि इनकी वैल्यू सबकी कितनी दी है r, ये r अगर आंसर आ जाएगा आपका r² डिवाइडेड बाय रूट में 1 r² 1 r² r 1 r and then 1 2 1 दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, रूट हट जाएगा 1 r² r 1 r and then नीचे a² - b² सो 1 r and 1 r, सो 1 r से ये गया, कितना आंसर आ गया r/1 r। तो काफी छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन समझने लायक था, इसलिए मैंने आपको दिखाया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं याद करना था, बस सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो आपका क्वेश्चन बहुत सरल। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, एक मजेदार क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में मिलेगा।